Greetings students, welcome to my class. Students, in the previous class we have done, or you people have come to know about the uses of wood, and I have told you the difference between will and shall, or you can say shall and will. I hope you people have no doubts in the uses of wood, and you people have no doubts in the, you know, uses of shall and will. What is the difference between shall and will? Yes, there are some other uses of shall and will are left, I will tell you. And but if you have any doubt in the related to previous class, uses of wood and difference between shall and will, you can ask me. You can leave your doubts or queries in the comment box, or you can WhatsApp me. Students, now in today's class we will do the use of used to, another modal. I have explained it to you in previous classes also, students, and we have but we will do in this session also. Modals are the part of your grammar syllabus, so we will do in this session also. Used to, as you can see, I have written, it is used to. This modal is used to express past habit or action. पास्ट हैबिट मीन्स भूतकाल की कोई आदत, भूतकाल का कोई काम जो आप भूतकाल में, यानी कि पास्ट में, विच यू यूज टू डू रेगुलरली, जो आप रेगुलरली करते थे लेकिन प्रेजेंट में अब आप नहीं करते हो, देन वी यूज यूज टू. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट हम अपने पास्ट में, अगर मैं 10 साल पहले रोज सुबह 5 बजे उठता था, अब मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ, नॉट एट ऑल. कभी कभार उठने की बात नहीं है. मैं 10 साल पहले रोज सुबह 5 बजे उठता था डेली, बट नाउ मैं अब उठता ही नहीं हूँ 7 बजे 6 बजे, बट नॉट एट 5 AM इन द मॉर्निंग. इन सम इमरजेंसी केसेस दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो पास्ट हैबिट को आप दिखाना चाहते हो, देन यू विल यूज टू. He used to walk in the morning. This sentence here, it means past habit दिखा रहे हैं. Used to, everybody knows the to के बाद we use the first form of verb. तो he used to walk in the morning. यहाँ पे you can use I also. I used to walk in the morning. मैं सुबह घूमना पसंद करता था लेकिन अब नहीं जाता हूँ. used to पसंद नहीं है. used to walk, सुबह morning walk पे जाता था. used to walk in the morning, सुबह उठकर टहलता था. अब नहीं करता हूँ मैं, past में करता था. Next example is she used to play खो-खो. वह खो खो खेला करती थी कब? बिफोर हर ग्रेजुएशन. नाउ हर ग्रेजुएशन इज कम्प्लीटेड, नाउ शी डज नॉट प्ले खो खो एनी मोर. पास्ट हैबिट है, पास्ट एक्शन शो कर रहे हैं हम. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट हैबिट. सो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है. एंड एज आई वाज टेलिंग यू दैट वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंड यूज वुड एंड यूज टू. दे कैन बी यूज, दे बोथ कैन बी यूज टू शो पास्ट हैबिट, जो अब नहीं है प्रेजेंट में, अब आप नहीं करते हो. आई यूज टू स्मोक, अब आप नहीं करते हो. आई यूज टू ड्रिंक, अब आप ड्रिंक नहीं करते हो. आई यूज टू प्ले फुटबॉल, अब आप फुटबॉल नहीं खेलते हो. तो आई वुड प्ले फुटबॉल डेली व्हेन आई वाज 6. आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज 20. नाउ यू डोंट डू दैट. तो वुड और यूज टू का यूज़ हम पास्ट हैबिट के लिए कर सकते हैं. ही, like this example, he would walk in the morning. They can replace each other. If you will write would here, he would walk in the morning. The person who understands, जिसको पता है कि would का use past habit को show करने के लिए किया जाता है, यहाँ पर he will walk in the morning का मतलब will नहीं आएगा ना, इसका मतलब नहीं है कि वो सुबह अब टहलेगा, नहीं. He would walk in the morning. She would play kho-kho before her
बीकॉम और ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, बीकॉम लिख सकते हैं। वो खेला करती थी, यहाँ पर वुड बी करेक्ट है इफ़ यू यूज़ एंड वी इफ़ यू राइट लाइक दिस इट इज़ करेक्ट, इफ़ यू राइट लाइक दिस इट इज़ करेक्ट। सो वुड द यूज़ टू का यूज़ होता है पास्ट हैबिट शो करने के लिए एंड वी कैन यूज़ वुड ऑल्सो। तो वुड एंड यूज़ टू कैन रिप्लेस ईच अदर टू शो पास्ट हैबिट। वी कैन यूज़ टू इन प्लेस ऑफ वुड एंड सेम वाइस वर्सा वी कैन यूज़ यू वुड in place of used to, so to show past habit। पुराना कोई पुरानी कोई आदत दो महीने पुरानी हो अब आप बिल्कुल नहीं करते हो अब वो चीज़, right? Past habit। Now one more important point before we go and do the uses of need, let's see two more things are there। Discontinued habit को जब हमको show करना है students, so we will use used to not would। Discontinued habit, let's see, जो discontinue habit हो गई है, past habit की बात नहीं हो रही है, just see, I used to drink, I don't drink, right? So you will say he used to drink, or you can add he used to smoke cigarettes। पीता था क्या? पीता था सिगरेट, पीता था सिगरेट्स। अब ये हैबिट उसकी डिसकंटिन्यू है, बट ही नाउ ही स्मोक्स अ पाइप और सिगार। सिगार मोटे वाला सिगार होता है, यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज। पहले वो सिगरेट पिया करता था, डिसकंटिन्यूड हैबिट है ये, पास्ट की बोल लो। अब उसने उस आदत को छोड़ के पीता है वो अभी भी सिगरेट के रूप में सिगार पीता है। तो हम यहाँ वुड का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसने सेम हैबिट दोबारा शुरू कर दी। सपोज राजेश यूज़ टू ड्रिंक रम, रम इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक ऑल्सो, कैटेगरी वन टाइप ऑफ ड्रिंक। अब यहाँ पे हमें लिखना है नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, अब वो वाइन पीता है, रम पीना छोड़ चुका है, मतलब पीना नहीं छोड़ा है, पीने में जो फ्लेवर था और टाइप था रम, ही हैज़ लेफ्ट दैट हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग रम, बट नाउ ही हैज़ स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन। सो डिसकंटिन्यूड हैबिट है, वहाँ पर हम यूज़ टू का ही यूज़ करेंगे, ना कि वुड का। इफ़ यू विल राइट ही वुड स्मोक सिगरेट्स, नाउ ही स्मोक्स अ पाइप, दैट इज़ रॉन्ग, यूज़ टू आएगा वहाँ पर। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, एंड You have to keep in mind, please note it down, a discontinued habit को हम discontinued habit को शो करते हैं used to say, ना कि would say, understand? I hope you have understood। Now moving forward, one more point left in this, how we used to in affirmative or negative sentences and interrogative sentences, used to in अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ही यूज टू स्मोक लाइक वी हैव रिटन, दिस इज अफर्मेटिव, राइट। नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे हम इसको स्टूडेंट्स, ही यूज नॉट टू स्मोक, हम ऐसे नहीं लिख सकते ही यूज टू नॉट स्मोक, नो ही यूज नॉट टू स्मोक। Interrogative, how we will used he to smoke, question mark, interrogative में हम ऐसे use करेंगे। और one more way is there, did he use to smoke, ऐसे भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं लाइक दिस। अफर्मेटिव में यूज, हाउ वी यूज अफर्मेटिव, यूज टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ही यूज टू स्मोक, ही यूज नॉट टू स्मोक, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर द डिफरेंस, द यूज ऑफ यूज टू इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू द यूज ऑफ नीड। Need, what does this model express? It is used to express requirement,
रिक्वायरमेंट या फिर नेसेसिटी, आवश्यकता, ज़रूरत या आवश्यकता को दिखाने, नीड होती है जब हमें, नेसेसिटी, आवश्यकता। एंड इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब when we use need. I have told you that the modals are not main verb, but when we use need, and the another one we will do, the dare, they are used as main verb. They express requirement or necessity, avashyakta, zarurat dikhate hain, and they are used as main verb in singular and plural form. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स बोथ, बट डियर स्टूडेंट्स, ये आवश्यकता को दिखाएगा और मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा. इट विल बी यूज एज, नीड विल बी यूज एज मेन वर्ब इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स बोथ, दोनों ही फॉर्म में, विद आई ऑल्सो, आई यू वी दे, वी विल यूज नीड एंड एज मेन वर्ब, एंड विद ही शी इट नेम एज सिंगुलर फॉर्म्स, वी विल यूज नीड एज as main verb. Let's see the example. He needs my help. Meri madad, help is noun, uncountable noun है, my पहले आ रहा है, ये determiner में चला गया है. यहाँ पे है ये needs modal, he needs, यहाँ पर ये singular form में है, sf means singular form. He needs, हमने S लगाया है. Now you will say, sir, you have told in the starting that, you know, the modals don't take S or ES with them. But when they are helping the main verb, when they are used as main verb, like he can help me, we will not use S or ES with this can, could, may, might, shall, should, or will, must. But when we are using need as main verb, need जो है main verb की तरह ही use की जाती है. He my help needs, he my needs help, तो it will be wrong. He help need my, wrong. He needs my help, मुझे उसे मेरी मदद की ज़रूरत है. This is singular form and it is used as main verb. Now I need a book, I need a book to read, I need your help, I need a bed to sleep, anything. I need 500 rupees, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत है, he needs my help. तो यहाँ पर ये plural form में है students. One more example, they need to sleep now, उन्हें अब सोने की ज़रूरत है, ये भी plural form में है. Need, here it is in plural form, here it is in singular form, here again it is in plural form. Plural form में है वो, right? ये main verb के रूप में use हो रहा है, यहाँ singular verb है because third person singular subject, I is plural subject, तो plural verb है यहाँ पर. Plural भी लिख सकते हैं, singular verb लिख सकते हैं, but plural form and as singular form I have written. So this was the first use of need when it, to express requirement. And it is used as main verb with both singular and plural form. Now the second use of use, present tense में हमने use देख लिया है. Second, as need is, we use need as main verb. हम main verb के रूप में भी उसको हम use करते हैं in past and past participle, past tense में, and past participle also means second form and third form के रूप में भी needed, need, needs, SES first form, and then needed and need. Needed means needed, needed. Like examples we can see, I needed his permission to do this, to write this, to go there, मुझे उसके permission to go out of the room, मुझे उसके permission की ज़रूरत थी. I needed his permission, he needed to talk to me, उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत थी, he needed to talk to me.
he needed to go there, no, it will be wrong. It is past and past participle में हम ऐसे use कर सकते हैं. He has needed नहीं होगा. Past participle third form में भी past and past participle में हम like this we can use. Now the third use, students, this is the second use. I hope you have understood. Third use जो है, we cannot use need in continuous form. हम continuous form में use नहीं कर सकते हैं need का. Continuous form like, continuous form means ing form. We cannot use with need like I, or you can write he is needing my help. It is wrong. It can be he needs my help or he needed my help. He will need my help or this. Like he needs my help. It is correct. This is correct. This is wrong. So we cannot use need in continuous form. ing form use nahi kar sakte hain. When use need. Okay, student, I hope you have understood. Now, students, how to use need in negative and interrogative sentences when as main verb. Let's see negative sentence, affirmative sentence. So, he needs my help, I need your help. Like this negative sentence, kaise banenge? He doesn't need my help. And interrogative, how you will make one more interrogative, does he need my help? क्या उसे मेरी मदद की ज़रूरत है? Past में भी बना सकते हैं, present में भी है, past में बना सकते हैं. He did not need my help, did he need my help? Like this. Negative and interrogative, he needed my help. Like this, and does he not need, you can interrogative negative भी बना सकते हैं. Doesn't he need my help? Like this. So this was the third use of need, students. I hope you have understood. Please note it down if you want to, or take a screenshot or click photo, whatever you want to do, do it quickly, right? I hope you have understood it. You can see again and again, it will be uploaded. So students, another use of need, one more, that we cannot 2 plus infinitive form means 2 plus verb first form need ke sath, if he needs to go there, we cannot use, it is wrong. He needs, this is correct, students. He needs to go there hoga, he needs go there is wrong. I am sorry, this will be the answer. He 2 plus first form, we can use infinitive form like this. He needs to meet me, he needs my help, where we don't need 2 plus infinitive. 2 plus infinitive we can use according to the situation, according to the sentences. He needs my help, he needs to my help. No, he needs to go there, he needs to meet me, he needs to finish his work, he needs to keep quiet, he needs go there, is this wrong? He needs go there will be wrong, he needs to go there will be correct. So this will be the fourth form. Let's see, students, the fourth use I have told you. Now the another use, when need not. Now you must have heard this word need not. So it is also, we can use need not. I have told you negative mein, he does not need my help. But when he, I need not go there. So to express negative idea, always in plural form. When you use not after this, he does not need my help, there you are using as main verb. Here also need not. कैसे negative idea को form करता है वो? Negative idea always in plural form, singular में नहीं होगा. Plural form में ही need not use होता है, singular में नहीं. He needs not go there at night,
It will be wrong. He need not. S will not come here. Go there at night. This will be the right answer. You will use need not like this. It expresses negative idea. वहाँ रात में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसे वहाँ पर रात में जाने की ज़रूरत नहीं है. But we cannot write he needs not go there. Plural form में he need not. I need not. One more example. I need not go there. It is correct. Right? Plural form में है. Plural ही लगाएंगे. तो whether it is third person, first person और second person. Third person से हम yes लगाते हैं ना. He needs my help. But when you are using need not, negative idea है. तो he need not my help. He need not go there. He need not, my help is wrong. He need not go there. He need not beat him. He need not talk to him. He needed not to like this. Now, need not. One more point here in this, students, that don't use to after need not. One more point that don't use टू का यूज नहीं करना है आफ्टर नीड नॉट. आफ्टर नीड नॉट डोंट यूज टू. लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ यू यूज ही नीड नॉट टू गो देयर. ही नीड नॉट टू गो देयर. इट इज रॉन्ग. वॉट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? ही, और ये प्लूरल में ही होगा. ही नीड नॉट go there. One more example. I need not to beat him. Wrong. I need not beat him. This will be correct. So to ka use need not ke baad nahi hoga. He needed to talk to me. He needed to, theek hai, because needed not is not there. He need not talk to me. He need not to talk to me will be wrong. Agar yahan likha hota he need not to me talk to me is wrong. He need not talk to me. Usse mujhse baat karne ki zarurat nahi hai. I need not to beat him. Wrong. I need not beat him. So I hope you have understood, students. Please, I hope that you can see afterwards also if you have not understood, but I hope you have understood and you are noting it down also. Now, students, we will do dare. Dare ka use, dare hum dekhte hain. Kaise hum dare ka use karte hain? Dare kya express karta hai, students? Dare expresses courage, साहस, हिम्मत, और टू बी करेजियस, साहसी होना दिखाता है या हिम्मत का होना दिखाता है. और ये विद सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एज मेन वर्ब. डेयर बी एज मेन वर्ब में यूज होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज मेन वर्ब लाइक नीड विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म में इसका यूज होता है. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों में ही यूज होता है इसका. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म और क्या दिखाता है? करेज और टू बी करेजियस. बट इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, लाइक इन सिंपल वेज व्हेन यू आर टॉकिंग इन सिंपल वेज. लेट्स सी. तो व्हाट डज डेयर शो? डेयर एक्सप्रेसेस करेज और टू बी करेजियस एंड इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब एंड विद सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ. सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब दोनों के साथ यूज होता है ही डेयर्स लाइक दिस. लाइक सी, आई डेयर सिंपल फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? आई डेयर टू फेस माई फियर. मुझ में अपने डर का सामना करने की हिम्मत है. आई डेयर टू फेस, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है ये. टू फेस, टू फेस तो टू इन्फिनिटिव हो गया, राइट? माई फियर, फियर इज नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. माई, मेरा डर, पोजेसिव डिटरमाइनर भी यहाँ पे दिखा रहा है. बट डेयर इज यूज एज मेन वर्ब. आई डेयर टू फेस माई फियर.
He dares will come. See, singular form, plural form. He dares to face his father. उसे अपने father के सामना करने की, उसमें अपने father के सामना करने की हिम्मत है. He dares to face his father. उसमें इतना साहस है. He dares to oppose his father. He dares to oppose लिख सकते हैं विरोध करना. Father is not agreeing on something. He wants to do something. Father is opposing. So he is also opposing his father. He dares to oppose his father. He dares. उसमें इतना करेज है. He dares to go out at night. उसमें रात में बाहर जाने की हिम्मत है या साहस है. ये नॉर्मल सेंटेंस में यूज करते हैं. When you challenge someone, how we use dare? When we challenge देना, चुनौती देना किसी को, चुनौती देना ना, चैलेंज कर रहे हो आप, तो कैसे देंगे? Can you dare do this? No. क्या तुम इसमें एक आगने, अभी हमने किसी को बोला या किसी ने हमसे बोला, I dare you, है ना, I dare you to jump from 7th floor, सातवीं मंजिल से कूदने का डेयर दे रहा हूँ साक्य. I dare you, तो वो चैलेंज है उसमें. क्या तुम में सातवीं मंजिल से कूदने की हिम्मत है, साहस है? हिंदी में बोलना बहुत आसान है, बट व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू विल से आई डेयर यू टू जंप फ्रॉम 7th floor, आई डेयर यू टू जंप फ्रॉम दिस फ्लेम्स. आग की लपटें हैं एंड यू आर चैलेंजिंग समवन. कैन यू जंप फ्रॉम दिस फ्लेम? क्या तुम इससे कूद सकते हो? दैट इज एबिलिटी. बट व्हेन यू आर चैलेंजिंग, सो आई डेयर यू टू जंप फ्रॉम 7th floor. ही और किसी ने आपको डेयर किया, टेलिंग ही डेयर्स. He dares और challenge दिया था, तो past tense में भी use कर सकते हैं हम इसको. present में use करना है तो dares me to clear IPS exam. उसने मुझे क्या challenge दिया है? To clear IPS exam. He dares me to clear IPS exam. और to get success in IPS exam also we can write. Like this we can use dare in challenge form. Now question. When you are questioning someone, है ना, कि तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी मेरी चीज़ों को लेने, how dare, तो हम how dare we use, how dare you talk to me like this, how dare he, अब हम अगर he लिखते हैं, उसकी मुझसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे हुई, how dare, कर चुका है वो बात, है ना, आज चीज़ें छू चुका है. how dared he talk to me like this, अब present में है तो हम dare ही रहने देंगे. how dare he talk to me like this. अभी कई जगह आपको मिलेगा कि how does he dare talk to me like this, how does भी लगा रखा होगा कई जगह. how dare he talk to me like this, how dare you touch my belongings, how dare you touch my computer, how dare name किसी का लिख सकते हैं, how dare Raj touches my, how does Raj or how does Raj dare to touch my things, ऐसे भी लिख सकते हैं हम. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लिखेंगे हम. Some books you can find, how does he dare to touch my phone, ये उसकी मेरा फ़ोन छूने की हिम्मत कैसे हुई, how did he dare, हुई थी बोलना चाहते हैं तो did लगा दें, how did he. Now अब dare का use मेन वर्ब की तरह होता है इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो. सो कैसे, हाउ, नेगेटिव सेंस में मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा? ही डज नॉट डेयर टू गो देयर.
एट नाइट, उसकी वहाँ पर रात में जाने की हिम्मत नहीं है। एट नाइट लिख सकते हैं और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। और आई डू नॉट डेयर टू अपोज माय फादर, मेरे फादर के विरोध करने की हिम्मत या साहस नहीं है। आई डू नॉट डेयर टू अपोज माई फादर, ही डज नॉट डेयर, नेगेटिव सेंस में। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा इनका? मेन वर्ब है यहाँ पे डेयर, आई डिड नॉट डू दिस, डू मेन वर्ब होता है ना, तो यहाँ पे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नेगेटिव में भी डेयर मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में। यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म है, यू कैन सी दिस। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम बना सकते हैं, डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर, डज, वन मोर एग्जाम्पल, डज शी डेयर टू कम हेयर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, नेगेटिव पास्ट सेंटेंस में, डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, नेगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑल्सो वी कैन सी स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है अगर हमें। लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव विद डेयर एज मेन वर्ब, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सो दे डिड दे नॉट डेयर टू टॉक टू मी, और यू कैन राइट इन अनदर वे, क्वेश्चन मार्क, पुट क्वेश्चन मार्क। This same sentence can be written like this: didn't they dare to talk to me? क्या उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है? We use dare like this. So dare to show, express courage को शो करने के लिए किया जाता है। एंड हाउ इट इज़ यूज्ड आई हैव टोल्ड यू, सो इन दिस क्लास वी डिड यूज़, वी हैव डन द यूज़ ऑफ डेयर, नीड एंड यूज टू। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ यूज टू, डेयर एंड नीड। एंड इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल डू सम अदर यूजेस ऑफ कैन, कुड, मे, माइट and should also, and if anything is left we will discuss in the next class. So that's this is it for today students, and I hope you have understood the topic which I have explained it to you today. So thank you very much.